बुकारो के निर्देशन अनुसार गठित जिला टास्क फोर्स की टीम के द्वारा दामोदर नदी के खेत को चांपी और बेरमो घाट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में खेत को घाट से आ रहे 3 ट्रैकर अवैध बालू लदा ट्रैक्टर को जब्त किया गया और पेटरवार थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया। कुछ ट्रैक्टर छापेमारी टीम को देखते हुए बालू अनलोड कर भागने में सफल रहे। वहीं चास थाना अंतर्गत जोधाड़ही मोड़ के समीप बालू मंडी पर अवैध बालू लदा 15 ट्रैक्टरों को जब्त कर सभी वाहन मालिक और 10 चालकों पर त्वरित कार्रवाई की गई, जिसमें जिला खनन पदाधिकारी श्री गोपाल कुमार के जिसमें जिला खनन पदाधिकारी श्री गोपाल कुमार दास के द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि टास्क फोर्स टीम में अनुमंडल पदाधिकारी चास, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चास, जिला खनन पदाधिकारी बुकारो, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय बुकारो, अंचल अधिकारी चास एवं पुलिस बल मौजूद थे। जिला खनन अधिकारी ने कहा कि अवैध बालू का उठाव किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताते चलें कि बोकारो जेल में अवैध बालू का उठाव धड़ल्ले से हो रहा है।